Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. Friends, this video is going to be about the relevance of World Trade Organization. Before we dive into the video, let's talk about our combined batch for preparation of state civil services. Ye batch PCS, HCS aur HAS exam ke liye hai. Iska ek special feature hai 7-day free trial ka. 7-day free trial ko start kaise karna hai? You have to go on the link given in the description box aur aap apna 7-day free trial start kar sakte hain. इस 7-day फ्री ट्रायल में आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फॉर 7 डेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल्सो यू विल गेट एक्सेस टू मोर देन 250 लेक्चर्स बाय आर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स. सो देर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेर एन यू हैव टू रजिस्टर टू स्टार्ट योर 7-day फ्री ट्रायल. नाउ कमिंग बैक टू आर वीडियो ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेलेवेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या हैं और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है प्रेजेंट टाइम में. तो सबसे पहले तो ये साइंड अग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करती है, फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्स या फिर जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज. इस टाइप के जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करने का काम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का. और क्या करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट कराती है और ट्रेड वॉर्स को प्रिवेंट करती है. राइट, आगे क्या है कि जो न्यू नेगोसिएशंस होती है ना अराउंड द ट्रेड उसको भी मैनेज करती है WTO. फॉर एग्जाम्पल जैसे दोहा राउंड हुआ था, ठीक है. आगे क्या है इंटरनेशनल ट्रेड की प्रमोशन. हमने पिछले लेक्चर्स में भी किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रिंसिपल्स की बात करती है जिस पे वो चाहती है कि वर्ल्ड ट्रेड हो, तो इंटरनेशनल ट्रेड को उन प्रिंसिपल्स के थ्रू वो प्रमोट करती है. राइट, एंड बाय आल्सो कीपिंग अ चेक ऑन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग प्रैक्टिसेस इट प्रमोट्स द इंटरनेशनल ट्रेड. राइट, नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज अ ग्लोबल आर्बिट्रेटर, मतलब कि ग्लोबल लेवल पर ना एक आर्बिट्रेटर का काम करती है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई ट्रेड वॉर हो जाए, तो उसकी सेटलमेंट के लिए ट्रेड से रिलेटेड किसी भी डिस्प्यूट की सेटलमेंट के लिए WTO आर्बिट्रेटर का काम करती है और फैसिलिटेट करती है फ्रीयर ट्रेड. राइट, नेक्स्ट इज वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है. कैसे कि बहुत सारे मेजर्स WTO लगाता है और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से बेटर एफिशिएंट जगहों का ट्रेड को प्रमोट करता है WTO, विच इन इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है इससे कि द कंज्यूमर्स दे नो अबाउट द बेटर प्रोडक्ट्स की वहाँ से हमें एफिशिएंटली ज़्यादा कम पैसे में बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को प्रमोट किया जाता है बाय WTO. आगे क्या है, एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करती है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को इस तरह से वो कैरी आउट करती है ताकि वो एक रूल बेस्ड हो और बाइस्ड ना हो. ठीक है, कि इट शुड नॉट बी कि कुछ नेशंस जो हैं अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं. इट स्ट्राइव्स टू क्रिएट अ बैलेंस. राइट, पर अब इन द प्रेजेंट टाइम्स व्हाई हैज देयर बीन अ क्वेश्चन अपॉन द रेलेवेंस ऑफ WTO, WTO की रेलेवेंस पे क्वेश्चन क्यों अराइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जिसमें हम इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये बात है कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस है ना WTO की, दैट has a lot of delay in it, कि बहुत लंबी हो जाती है वो. और उस दौरान क्या होता है कि जब dispute settle हो ही नहीं रहा है, जो भी nation है जो कि trade distortion create कर रहा है वो अपनी वो practices को continue रखता है तब तक, क्योंकि वो कहता है कि अभी तो WTO का जो ruling है, WTO का जो भी decision है वो आया ही नहीं है, तो तब तक वो इट कीप्स ऑन गोइंग विद इट. बहुत सारे nations ऐसे भी हैं कि उनको पता है कि दे विल लूज द केस इन WTO, बट till the time the case is being decided they keep on going with their trade distorting practices. right, aage appellate body ka crisis humne last lectures mein iski baat ki thi. appellate body ek dispute settlement body jo hai WTO ki, uska bahut important part hai appellate body. appellate body mein abhi koi members nahi hai, to appellate body ka crisis chal raha hai which is causing uncertainty. theek hai, to ab WTO ka jo ek major function tha trade डिस्टॉर्शन को या फिर जो जो डिस्प्यूट्स अराउंड ट्रेड है उनको रिजॉल्व करना, वो हो नहीं पा रहा है बिकॉज देर इज नो एपिलेट बॉडी. आगे क्या है, फेलियर ऑफ दोहा राउंड. नाउ दिस वॉज अ मेजर राउंड
ट्रेड राउंड जो कि 2001 में जिसके अराउंड नेगोसिएशन स्टार्ट हुई, आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स ऑफ नेगोसिएशंस कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ पाया, ठीक है, बिकॉज देर वॉज नो रिजल्ट और बिकॉज देर वॉज नो कंसेंसस अमंग नेशंस, तो ये दोहा राउंड को फेलियर माना जाता है। ये दोहा राउंड था किसके बारे में, इट वॉज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ताकि जो डेवलपिंग नेशंस है ना ट्रेड उनके प्रति बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, और ट्रेड रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि डेवलपिंग नेशंस की एक बेटर पोजिशन हो। पर फेलियर हो गया इस राउंड का, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन द रेलेवेंस ऑफ WTO। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैक ऑफ कंसेंसस, कि कोई भी अगर बात होती है, कोई भी नेगोसिएशंस अगर चल रही हैं WTO में, उनको लेके कंसेंसस नहीं बिल्डअप हो पा रहा कि देर आर टू ग्रुप्स, डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशंस। ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं और डेवलप्ड नेशंस हैं, ये दोनों जो हैं, देर इज अ ऑलवेज देर इज अ बैरियर बिटवीन द टू, दैट इज बोथ ऑफ देम से डिफरेंट थिंग्स, तो इसलिए कंसेंसस नहीं रीच हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल ऑन अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियोज में, तो कंसेंसस अगर नहीं बिल्ड हो पा रहा तो देर दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द रेलेवेंस, राइट, बिकॉज इट रेजेज अ क्वेश्चन ऑन हैविंग दोज नेगोसिएशन इन द फर्स्ट प्लेस, कि अगर कोई कंसेंसस ही नहीं बिल्डअप हो पाया, अब तक अनसर्टेनिटी है, देन वॉट वॉज द पॉइंट ऑफ इट, राइट। आगे क्या है, पॉलिसी फेलियर्स, कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं WTO की जो कि ट्रेड को इम्पैक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये डेवलपिंग नेशन का स्टेटस, तो एक डेवलपिंग नेशन का जो स्टेटस है वो कैसे चूज किया जाता है कि कौन सा नेशन डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। WTO के प्रिंसिपल्स के अंडर ये ऐसा है कि एक नेशन खुद बताएगा कि वो डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में आता है या डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में। सो कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनको डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो एक्यूज करते हैं कि ये नेशन की इकोनॉमी इतनी लार्ज है और इसका इतना ज़्यादा शेयर है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, बट स्टिल दिस नेशन इज टेकिंग द स्टेटस ऑफ अ डेवलपिंग नेशन इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस एज वेल, ठीक है। तो दिस इज अ पॉलिसी फेलियर ऑफ WTO। और क्या बातें हैं ट्रेड वॉर्स और रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट की, इनके बारे में हम डिस्कस में देख डिटेल में देखते हैं। तो ट्रेड वॉर क्या होता है, ट्रेड वॉर एक वो फिनोमिनन है जिसमें दो नेशंस एक दूसरे के ऊपर रिटेलिएटरी ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप द इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर नेशन, ठीक है। तो US चाइना ट्रेड वॉर की बात करते हैं, US चाइना ट्रेड वॉर कब स्टार्ट हुई, दिस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2018 में क्या हुआ कि US ने एक इम्पोर्ट के टैरिफ्स लगा दिए, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील फ्रॉम चाइना, ठीक है, एल्यूमिनियम और स्टील के इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना पर ड्यूटी लगा दी US ने इन रिटेलिएशन। ये ड्यूटी थी अराउंड 25%, रिटेलिएशन में चाइना ने भी इम्पोर्ट पे ड्यूटी लगा दी अमेरिकन इम्पोर्ट्स पे। सो दिस resulted in a series of events जिसको हम trade war कहते हैं, और because both these economies are very huge economies, like they are very large economies, तो इनमें अगर trade wars होंगी, trade war होगी इनमें, अगर ये एक दूसरे के imports को बंद करेंगी, उसका जो impact है वो world over economy पे पड़ेगा। Many experts have said कि इस trade war के कारण globally slowdown आया है, right? और in the past क्या कुछ ऐसा हुआ है, पास्ट में 1930 में जब डिप्रेशन हुआ था, द ग्रेट डिप्रेशन, तो US गवर्नमेंट ने उससे पहले स्मूथ हॉले एक्ट पास किया था, ठीक है। इस एक्ट ने क्या किया था कि जो US में इम्पोर्ट्स आ रहे थे अराउंड 20,000 इम्पोर्ट्स पर बाय वेरियस पार्टनर्स, वेरियस ट्रेड पार्टनर्स ऑफ US के इम्पोर्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, उनको इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए थे, उनको कर्ब करने की कोशिश की थी, और इन रिएक्शन वो जो ट्रेडिंग पार्टनर्स थे उन्होंने भी US के इम्पोर्ट्स पर ड्यूटी ट्रेड ड्यूटीज लगा दी। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ठीक है, एंड वी नो हाउ द वर्ल्ड सफर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, ठीक है। तो ऐसे जो मेजर्स हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करते हैं, ट्रेड को प्रोहिबिट करते हैं, दे कैन सीरियसली कॉज मेजर डैमेज टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसलिए क्योंकि ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, क्योंकि अभी भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, सो रिलेवेंस ऑफ WTO को क्वेश्चन किया जाता है कि WTO तो इसीलिए बनी थी ताकि ये सब बातें ना हो, राइट। अब हम बात करते हैं रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स की। तो WTO क्या कहता है, WTO कहता है कि वर्ल्ड वाइड फ्री ट्रेड प्रमोट हो,
ठीक है, रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स क्या बात करते हैं, रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स ग्रुप्स की बात करते हैं कि वो बायलेटरल हो गया या मल्टीलेटरल हो गया, कि उस ग्रुप के अंदर फ्री ट्रेड चल रहा है, पर बाकी नेशंस के साथ डिफरेंट पॉलिसीज हैं। ज़्यादातर ये होता है रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव, राइट। तो अब ये रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मेजरली हम इनको 6 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है क्या? प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट में हम लिमिटेड, बिल्कुल ही लिमिटेड सी कंसेशंस देते हैं, ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ कमिटमेंट टू लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स जो है उनको लोअर करते हैं, पर बहुत ही कम, फर्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट होती है ये, ठीक है। इंडिया का किसके साथ है? इंडिया का मर्कोसुर के साथ है। व्हाट इज दिस? ये एक ट्रेड ब्लॉक है बिटवीन 4 साउथ अमेरिकन नेशंस, 4 साउथ अमेरिकन नेशंस के बीच का ये ट्रेड ब्लॉक है। कौन से नेशंस है वो? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। ये 4 नेशंस का ट्रेड ब्लॉक है मर्कोसुर, और इंडिया का इसके साथ फ्री ट्रेड प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है। नेक्स्ट वी कम ऑन टू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में हम कुछ कंसेशंस देते हैं, ठीक है, हम टैरिफ कंसेशंस देते हैं या फिर ऐसी ट्रेड टर्म्स करते हैं ताकि जो दूसरा नेशन है वो बेनिफिट कर सके उससे, राइट। इंडिया के बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया थाईलैंड, इंडिया यूएई के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की अभी रिसेंटली बात हो रही थी, राइट। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये 2 तरह के अग्रीमेंट्स हैं, CECA एंड CEPA। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट इज अ लोअर लेवल, इसमें कम कंसेशंस होती हैं देन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कि ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं इसमें, पार्टनरशिप अग्रीमेंट में सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट पर भी होती है, कोऑपरेशन अग्रीमेंट में हम सिर्फ टैरिफ्स या टैरिफ रिलेटेड कोटास की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सिमिलर बातें हैं, द स्टेजेस आर डिफरेंट, कि उसमें हम ज़्यादा कंसेशंस दे रहे हैं या और भी बातों पे ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं, इसमें लिमिटेड होता है और आगे आगे ये बढ़ता जाता है, राइट। आगे क्या है? कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन क्या होता है? कस्टम्स यूनियन होती है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं टैरिफ्स या ट्रेड ऑब्स्टिकल्स को, ठीक है, कॉमन। और ये जहाँ भी कस्टम्स यूनियन होती है, जैसे मर्कोसुर की हमने बात की थी, दैट इज अ कस्टम्स यूनियन, या फिर यूरोपियन यूनियन इज अ कस्टम्स यूनियन। तो ये जो नेशंस होते हैं ना, जो भी एक कस्टम्स यूनियन में हैं, वो बाकी के नेशंस की तरफ सिमिलर पॉलिसीज अपनाते हैं, ठीक है, कि इनसाइड द कस्टम्स यूनियन दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज फॉर ट्रेड एंड आउटसाइड द यूनियन दे हैव डिफरेंट पॉलिसीज फॉर ट्रेड, राइट। कॉमन मार्केट जो आ जाता है, ये क्या है? कस्टम्स यूनियन प्लस मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, ठीक है, लेबर भी, लेबर की मूवमेंट भी हो सकती है। यूरोपियन यूनियन, दिस ऑल्सो कॉमन मार्केट भी है, राइट। उसके बाद क्या है? इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन एक्सटेंशन होता है इन दोनों का ही। इसमें क्या है कि फिस्कल, मॉनेटरी, जुडिशियल पॉलिसीज जो है ना, वो भी कॉमन होती है, और करेंसी भी सेम होती है। यूरोपियन यूनियन अगेन, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जैसे है तो वो एक इकोनॉमिक यूनियन या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कहते हैं, उस लेवल का एक रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इम्प्लीकेशंस। अब रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट के इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है, देर आर बोथ वेज, देर आर बोथ साइड्स विद विच वी कैन डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले इसके पॉजिटिव्स की बात करते हैं, क्या है कि ये बिजनेस को इनकरेज करते हैं, राइट, फ्रीयर ट्रेड को इनकरेज करते हैं, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है प्रमोट करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है अगर कोई रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, राइट, न्यू ट्रेड भी क्रिएट होता है। और क्या करते हैं ये? सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, कि अगर एक ही नेशन से सप्लाई आ रही है, बाकी नेशंस के साथ भी अगर ट्रेडिंग अग्रीमेंट हो गया तो वहां से भी सप्लाई आ रही है, तो जो सप्लाई चेन है एक प्रोडक्ट की वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, जो कि हेल्पफुल होता है एक नेशन के लिए, राइट। और क्या है? ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं, इससे जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं किसी एक नेशन के, उनको मौका मिल जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकें, राइट। और वैरायटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को भी बेटर करता है,
क्योंकि कंपैरेटिवली जो बेटर जगह है जहाँ पर बेटर वैरायटी और मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रमोट होते हैं. और क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करता है, राइट, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को पता है कि अच्छा यहाँ पर हमें जो कोटाज हैं, इम्पोर्ट कोटाज हैं या फिर जो टैरिफ्स की जो है वैल्यू वो कम है, टैरिफ का जो अमाउंट है वो कम है, तो वो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट. आगे क्या है, इलिमिनेटिंग मोनोपोलीज, मतलब ये जो मोनोपोलीज होती हैं नेशंस में उनको इलिमिनेट, उनका कोई पर्पस नहीं रह जाता है और मोनोपोलीज को इलिमिनेट कर देता है बिकॉज बेटर जगहों से कॉम्पिटिशन होता है, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई हो गई होती हैं, राइट. अब वॉट आर द नेगेटिव्स ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, नेगेटिव्स क्या हैं, सबसे पहले कि कई बार ये ना डाइवर्जन कर देता है ट्रेड की, कि जो बेटर जगह थी, मोर एफिशिएंट जगह थी, उससे ट्रेड को डाइवर्ट करके लेस एफिशिएंट जगह पर ले आता है, ठीक है, दैट हैपेंस समटाइम्स. और क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थ्रेट, कैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को थ्रेट होता है, कि ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज एक नेशन के साथ एक रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट साइन हो गया और ऐसा हो सकता है ना कि जिस नेशन ने साइन किया उसमें बहुत ही बढ़िया लॉस थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वायलेशन की प्रोटेक्शन के लिए, और जिस नेशन के साथ उसने अपने प्रोडक्ट्स को भेजने का या ट्रेड करने का अग्रीमेंट साइन किया उसके जो IPR लॉज हैं वो इतने बढ़िया नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थ्रेट हो जाता है इससे, राइट. आगे क्या है, रेवेन्यू का लॉस तो होता ही है बिकॉज आपने इम्पोर्ट कोटा और जो भी आपके टैरिफ्स हैं उनको रिड्यूस करना है, और डिपेंडेंस जो आपकी फॉरेन डिपेंडेंस है उसको इंक्रीज कर देता है, दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम फॉर सॉवरेंटी ऑफ अ नेशन, राइट. और क्या है, द फ्री मूवमेंट ऑफ फॉरेन गुड्स अफेक्ट्स द डोमेस्टिक गुड्स, कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है दैट सफर्स बिकॉज अब जो फॉरेन इंडस्ट्री है दैट इज गेटिंग एक्सेस टू योर ओन मार्केट्स, ठीक है, तो आपकी मार्केट्स को फॉरेन मार्केट्स, फॉरेन इंडस्ट्री की एक्सेस मिल जाती है. तो अब इन सब बातों का हमने देख लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, हमने देख लिया कि वॉट आर द फैक्टर्स विच आर इम्पैक्टिंग द रेलिवेंस ऑफ WTO. अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है. वे फॉरवर्ड सबसे पहले ये है कि हमें एक बैलेंस रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के स्टांसेस में, उनकी डिमांड्स में, और कंसेंसस एक रीच अप होगा तभी वी कैन मूव फॉरवर्ड, राइट. नेक्स्ट इज जो आउटडेटेड रूल्स हैं ना उनको अपडेट करना चाहिए, जो भी ऐसे रूल्स हैं जो कि अब प्रेजेंटली रिलेवेंट नहीं है उनको अपडेट करना चाहिए. आगे क्या है, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो सिस्टम है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ WTO, उसको हमें रिस्टोर करना चाहिए, ठीक है, कि जैसे एपिलेट बॉडी का क्राइसिस चल रहा है, नेशंस शुड वर्क टू एंड दैट क्राइसिस, राइट. नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स होने चाहिए जो कि डेवलपिंग नेशंस को इंक्लूड करें, तो डेवलपिंग नेशंस की तो यही बात है ना कि ऑल द रिफॉर्म्स आर टेकन बाय द डेवलप्ड नेशंस, कि वो डेवलप्ड नेशंस अपने ही फायदे के रिफॉर्म्स ले लेते हैं, तो डेवलपिंग नेशंस को इंक्लूड करके रिफॉर्म्स होने चाहिए WTO में, क्योंकि अब ये भी बहुत ही बड़ी इकोनॉमीज है, ये जो डेवलपिंग नेशंस है दे आर ऑल्सो मेजर इकोनॉमीज एंड दे हैव लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट. आगे क्या है कि जो न्यू नीड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए WTO को, न्यू नीड्स जैसे कि डिजिटल ट्रेड अब बहुत हो रहा है, तो उनकी भी प्रिंसिपल्स को, उनकी भी जो नीड्स हैं उसको इंक्लूड करना चाहिए WTO को, ताकि वो रेलिवेंट रह सके इन द प्रेजेंट टाइम्स, राइट. नेक्स्ट इज इट शुड वर्क टुवर्ड्स रिजॉल्विंग लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, जो भी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं उसकी तरफ काम करना चाहिए सो दैट दे आर रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस, हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इन विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग अग्रीमेंट डू द इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर नेशंस आर द इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन सब्जेक्ट टू कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, कि कौन सा वो रीजनल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है जिस पे इम्पोर्ट्स फ्रॉम नॉन मेंबर नेशंस को एक कॉमन टैरिफ लगाया जाता है, ठीक है, कि जो नेशंस उसके पार्ट नहीं है उनको, उन पर एक कॉमन टैरिफ लगाया जाता है. क्या है वो, फ्री ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, कस्टम्स यूनियन है, या कोई भी नहीं है. फ्री ट्रेडिंग अग्रीमेंट तो वो नहीं है, राइट, प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट भी नहीं है, और हमने अभी देखा था ये कस्टम्स यूनियन है. एक कस्टम्स यूनियन जो है वो बाहर की नेशंस पे एक कॉमन पॉलिसी अपनाती है, राइट. नेक्स्ट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो RCEP की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. RCEP ये, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये एक फ्री ट्रेडिंग अग्रीमेंट है, ठीक है, फ्री ट्रेडिंग एरिया जो कि 2020 में साइन की गई थी, इसकी डील 15 मेंबर नेशंस हैं इसके,
फाइव नेशंस जो है वो दया चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, प्लस 10 एशियन नेशंस हैं। ठीक है, तो ये 15 नेशंस जो हैं इन्होंने एक ये डील साइन की थी इन द ईयर 2020। इंडिया ने भी इसके नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट किया, बहुत सालों से इसकी नेगोशिएशंस चल रही थी, बट इन 2019 इंडिया ने नेगोशिएशंस से विड्रॉ कर लिया था, साइटिंग द रीजंस कि अगर इंडिया ने ये ट्रेड ये ब्लॉक को ज्वाइन किया तो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो डेयरी सेक्टर है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? तो RCEP का इंडिया मेंबर नहीं है, दिस इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और 2020 में साइन किया था, 15 इसके मेंबर नेशंस हैं, और ये है क्या, दिस इज़ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, राइट? अब एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं, यू कैन ऑल राइट योर आंसर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज अ मल्टीलेटरल बॉडी इज फेसिंग चैलेंजेस ऑन वेरियस काउंट्स लीडिंग टू इट्स रिड्यूसिंग रिलेवेंस। तो WTO जो है ये एक मल्टीलेटरल बॉडी है जो कि वेरियस तरह से चैलेंजेस को फेस कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो रिलेवेंस है वो कम हो रही है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो इन दिस लाइट सजेस्ट सुटेबल रिफॉर्म। तो इसको माइंड में रखते हुए एक सुटेबल रिफॉर्म को सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए। सो इसमें हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसको, कि जो चैलेंजेस WTO फेस कर रही है उनकी बात करेंगे थोड़ी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन वी विल टॉक अबाउट इसकी रेलेवेंस प्रेजेंट टाइम में, सेकेंड थिंग। थर्ड विल बी आर वे फॉरवर्ड, या फिर जो रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं सो दैट उसकी जो रेलेवेंस जो कम हो रही है उसको रिस्टोर किया जा सके, राइट? आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इट एडेड टू योर नॉलेज। नाउ कमिंग बैक टू आर कंबाइंड बैच फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज, ये बैच इसके बारे में दोबारा बात कर रहे हैं हम। दिस बैच इज अबाउट PCS, HCS, HAS एग्जाम प्रिपरेशन। ये स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए है। इसका एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का। 7-day फ्री ट्रायल को स्टार्ट कैसे करना है, यू हैव टू गो ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अपने आप को रजिस्टर करना है एंड योर 7-day फ्री ट्रायल विल स्टार्ट। इन दैट 7-day फ्री ट्रायल आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं 7 days के लिए, प्लस मोर देन 250 लेक्चर्स की आपको एक्सेस मिल जाएगी बाय आर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक एंड शेयर इट। Also subscribe to our channel Abhimanyu IAS. Thank you.